today Raj is going to propose doll for marriage, and this is gonna be a very special day, very much special day. Wearing black today, not only me, my all friends are wearing black. I'm super excited sabko milne ke liye. Everybody is so happy ki finally wo log ek step ऊपर जाने वाले हैं. मैं बहुत टाइम से ये दिन का वेट कर रही थी कि राज कब प्रपोज करेगा, कब प्रपोज करेगा. एक प्रॉब्लम था जो दीदी सही बोल रही थी, मैंने और किकी ने बात किया था, तब हमने सोचा था कि हम लोग नहीं बोलने वाले कि कितना दूर है. बट मैंने कल उसे बोल दिया कि 3-4 hours का ट्रैवल हो सकता है. शी वाज सेइंग मी कि इतना अगर दूर है तो हम लोग पहले ही ड्रेसअप होके क्यों जा रहे हैं. जब हाफ एन आवर दूर रहेंगे तब हम गाड़ी में चेंज कर लेंगे क्लोथ, जैसे हम लोग हमेशा करते. बट इस टाइम आई कॉन्ट टेक रिस्क बिकॉज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्लान में चेंजेस वेंजेस आ सकते हैं. अगर टाइम नहीं मिला पहले से ही पहन के चलते हैं. मैंने उसे मनाया ट्राइंग की 4 बजे हम पहुँचे. राज जाके सब चेक करेगा सब कुछ ठीक है नहीं, तब तक मैं दीदी हम सब लोग फ्रेंड्स मिल के उसे यहाँ वहाँ ध्यान भटकाएंगे. एंड सबसे मेन थिंग, आई गॉट दिस ड्रेस फॉर डॉल. ये वो पहने अपने मेन डे पे, बट आप सबको भी पता है कि वो कितनी स्टबन है, तो उसने माना ही नहीं. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे ये पहनाने की, जिसमें मैं फेल हो चुकी हूँ. बट एनी वेज शी इज़ वेयरिंग अ क्यूट फ्रॉक, उसने रिपीट किया है. बट इज लुकिंग क्यूट टुडे. हाय, आर यू रेडी? दिस इज लुकिंग क्यूट, ये भी अच्छा लग रहा है. चलो, लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, फिर बोलना नहीं कि सो मैंने लेट किया. मैं ऑलरेडी रेडी हूँ. मैं भी ऑलरेडी रेडी, मैं वो पहले रेडी हो गई थी. मैं भी रेडी. ये इसकी गाड़ी नहीं है, ये इसका घर लग रहा है. हमने एक शॉर्ट ब्रेक ले लिया वॉशरूम जाने के लिए, एंड आई गॉट स्टारबक्स कॉफी जो मेरा फेवरेट है. ये हाँ, ये मेरा फेवरेट चॉकलेट है. तुम्हें कैसे पता? मैंने तुम्हें बोला नहीं था कभी. नो नजर, इधर लाओ, मैं खाऊंगी. मेरा वाला चॉकलेट यहाँ पे लाओ. अभी रखने के लिए तो पीछे देना पड़ेगा, लेकिन ये मेरा है. नहीं, वो वाला तो मैं लूंगी. No. दे दे दे. No. ये राज देखना पीछे आए. दे दे, चल उधर. We are just 3 minutes away from the venue. Event जाने से पहले हमें सुसु आई है. बॉयज का तो अच्छा है कि वो लोग कहीं पर कर सकते हैं, मतलब करते इधर, विच इज़ रॉन्ग एंड बैड. बट हम लोग तो कहीं पे भी कर नहीं सकते. गाड़ी में बैठे बैठे हम लोग यही पता नहीं कहाँ से टॉपिक निकला, राज एंड डॉल वर डिस्कसिंग कि वो लोग कैसे मिले, उन्होंने क्या क्या किया कॉलेज डेज में, इतने ईयर्स का रिलेशनशिप में. तो फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी, जो मैं कभी आपको बताऊँगी, जो वो कभी आपको बताएगी. पूरी एक वीडियो बनाएगी उसके ऊपर कि कैसे मिले, क्या किया. जब डेट करते थे ना तो मुझे 2 years आइडिया ही नहीं था कि ये डेट कर रहे थे. मुझे अपने फ्रेंड से पता चल गया. मुझे लगा था सामने जाके मम्मी को चुगली करेगी. हाँ, बट मुझे नहीं पता था, बट मुझे डाउट था. बट ऐसे लगा कि नहीं, मे बी नहीं है, क्योंकि इसके तो मेल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थे उस टाइम, कॉलेज टाइम्स. फिर मेरा एक दोस्त है, उसने आके मुझे बोला था कि यू नो व्हाट, योर सिस्टर इज डेटिंग दिस 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 गाय. और वो पचका दोस्त कौन है बताया? बिकॉज रेमी और ये लोग एक ही कॉलेज में थे. और रेमी ने बड़ा छोटा के बताया था, लोग कॉलेज में बैठे थे हाथ पकड़ के हाथ दूसरे. नहीं, मैं विश्वास नहीं करी थी. मैंने बोला कि नहीं यार, मुझे भी डाउट है, बट दे आर इन डेटिंग. तो उसने बोला कि नो, यू हैव नो आइडिया, वो कॉलेज में हाथ पकड़ के बैठे थे. एंड मैं भी इसी थी कि सच में मुझे पता नहीं है. बट वी आर 100% श्योर उसे अभी थोड़ा सा डाउट आ ही गया. थोड़ा क्या मतलब, थोड़े से ज्यादा डाउट आ गया. बिकॉज व्हाई इज एवरीबॉडी वेयरिंग ब्लैक, एंड सब लोग क्यों प्रेजेंट है इवेंट में, सारे फ्रेंड्स लोग क्यों आए. और उसे भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है कि मैं पूछूंगी नहीं, अभी जैसे होगा वैसे होगा. आई जस्ट प्रिटेंड कि आई एम नॉट गेटिंग व्हाट इज हैपनिंग. फिर भी सरप्राइज तो सरप्राइज है ना. हाउ इज द डेकोर? तूने तो देखा है. वेरी प्रिटी एक्चुअली, लेकिन मेन डेकोर का ब्यूटी तो सन ही ये करेगा, डिसाइड करेगा. डॉल की एंट्री कैसे होगी? अरे यार, मैं मेरी एग्जिट सोच रहा हूँ अभी कैसे होगी. लेकिन ये बताना कैसे लग रहा है तुम्हें अभी, कैसा फील हो रहा है? डर फील हो रहा है या नहीं? मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी टाइम निकल जाए. क्यों? और डर लग रहा है यार. टाइम निकल गया ना, अंधेरा हो जाएगा. अभी आई थिंक परफेक्ट टाइम है. हां यार, यहां पे है राज एंड बाकी के सब लोग वेट कर रहे कि कब कुछ होने वाला है, प्रपोज हो रहा है. बोल दे उसको एक बार. एंड योर शी इज वेटिंग. इट्स टाइम टू
क्लोज योर आईज. हम ये करेंगे ताकि मेकअप भी ना करा हो. नहीं होगा मेकअप. अरे थोड़ा सा और गिर रहा है. अरे इसका कपड़ा वैसा है ना, देख खुद बोल रही है निकल रहा है. हां यार सब ले जाओ. ओह माय गॉड. चलो लग रहा क्या होगा. अभी पता चल गया. पता चल गया क्या? क्या पता चल गया? छोड़ मेरी बोल ना. कुछ स्पेशल हो रहा है क्या? ये डेट अभी कैलेंडर पे से मार्क होने वाला है स्पेशल करके. बट वो बिजी है अभी. काफी ज्यादा बिजी है. मतलब मेरे पास इसमें वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए. बट आज के जो लाइंस थे वो कैसे दिल को छू गए. हाँ मैं उनको गाड़ी में पूछ रही थी कि देखो बटरफ्लाइज फील नहीं होता क्या? बटरफ्लाइज फील नहीं होता क्या? तो बोलता था नहीं मुझे नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता. लेकिन अभी जब वो बोला आंसर मिल गया ना. हाँ सिस्टर आई एम सुपर हैप्पी फॉर यू. इग्नोर माय हेयर. बट ये दिन का मैंने बहुत वेट किया है कि कब प्रपोज होगा, कब प्रपोज होगा. बिकॉज दे आर डेटिंग सिंस मोर देन 5 years आई गेस. 5 years. तो फाइनली ये डेट ऑफिशियली 2 years, अनऑफिशियली 5 years. व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिशियली 2 years, अनऑफिशियली 4 years? समझ जा. वो तो मैं नहीं ये समझेंगे. यहाँ पे चल रहा है फोटो शूट एंड वहाँ देखो क्या चल रहा है. सेकेंड कपल. आप दोनों ने बहुत ही अच्छा शूट किया. मैंने इनके कैमरा में भी देखा ना, कुछ अलग ही है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फाइनल वाला देखने के लिए. थोड़ा ज़रा पीछे से लेना राज. थोड़ा पीछे जाओ. तो थैंक यू सो मच. कांग्रेचुलेशंस गाइस. थैंक यू सो मच. हाँ.